हाय, दिस इज मी एसन। आज हम बात करेंगे इलस्ट्रेटर क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। इलस्ट्रेटर का पहला वर्जन मार्च 1987 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका जो मोस्ट पॉपुलर वर्जन था वो अडोबी इलस्ट्रेटर का 10th वर्जन था, जिसको मार्केट में बहुत ज़्यादा सराहा गया। उस एतबार से देखा जाए तो 33 ईयर्स ऑफ एक्सीलेंस जो है वो एलिस्ट्रेटर इस वक्त में गुजार चुका है। टाइप ऑफ ग्राफिक्स की बात करें अगर हम, तो हमारे पास में दो तरह के ग्राफिक्स मौजूद हैं। एक वेक्टर ग्राफिक्स हैं और दूसरे रास्टराइज ग्राफिक्स हैं। एवरीथिंग इज वेक्टर इफ यू ड्रॉ इन एलिस्ट्रेटर। अगर आप इलस्ट्रेटर में कोई भी चीज ड्रॉ करते हैं तो वो वेक्टर कहलाएगी। वेक्टर ग्राफिक्स जो हैं ये इन्फिनिटली स्केलेबल्स होते हैं। अगर आप स्क्रीन के ऊपर ए को देख रहे हैं और ये इलस्ट्रेटर के अंदर ड्रॉ या टाइप किया गया है, तो मैं बहुत आसानी से विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी पेनल्टी और पिक्सेलेशन के इसको स्केल कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त स्क्रीन पर नजर आने वाला लोगो जो है ये 25 पिक्सल्स बाय 25 पिक्सल्स के साइज में मौजूद है। इलस्ट्रेटर के अंदर रहते हुए अगर हम इसको 2400% जूम करेंगे तो ये एज इट इज स्लीक और क्रिस्प नजर आएगा, जबकि यही लोगो अगर फोटोशॉप में 2400% जूम किया जाएगा तो पिक्सलेटेड अपेयरेंस जो है वो हमें देखने को मिलेगी। आप बड़ा इम्पैक्ट जाते हैं तो बड़े इमेजेस, बड़े आर्टवर्क्स को अपने आप बड़ा इम्पैक्ट चाहते हैं, बड़ी इमेजेस को अपने आर्टवर्क के अंदर इस्तेमाल कीजिए। अडोबी इलस्ट्रेटर कौन कौन इस्तेमाल करता है? ग्राफिक डिजाइनर्स ये एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, आर्टिस्ट और इलस्ट्रेटर्स ये एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, वेब डिजाइनर्स को इलस्ट्रेटर की जरूरत होती है, और फैशन डिजाइनर्स भी इसी एप्लीकेशन के अंदर आर्टवर्क्स बनाते हैं। हम इलस्ट्रेटर के साथ क्या बना सकते हैं? व्हाट कैन आई मेक विद इलस्ट्रेटर? वेब टेम्पलेट्स और एलिमेंट्स बनाए जा सकते हैं, यूआई एलिमेंट्स, वेब टैबलेट एंड मोबाइल, इन्फोग्राफिक टेम्पलेट्स, डायग्राम्स बनाई जा सकती हैं, आइकॉन्स बनाए जा सकते हैं, इवन डिजिटल मैप्स बनाए जा सकते हैं। फैशन इंडस्ट्री की बात करें तो शर्ट, शूज, और ये सब कुछ क्या होगा? 100% वेक्टर होगा। थैंक यू।